नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यनाथ झा। सुबह के 8 बजने वाले हम लगातार आपको दिन भर बजट की ABCD बताएंगे, समझाएंगे सीधे सीधे तरीके से बिना किसी गुणा भाग के, ताकि आप समझ पाए कि आज के बजट में आपके लिए है क्या और आपको बजट के किस ऐलान से आपकी जेब ढीली हो सकती है। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज पेपर। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज पेश करेंगे मोदी सरकार का चौथा आम बजट। सुबह 11 बजे बजट पेश होगा। लंबे साल में पहली बार होगा आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश। 1924 से 2016 तक रेल बजट अलग से किया जाता था पेश। पीएम मोदी ने बजट सत्र के शांतिपूर्ण तरीके से चलने की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नई परंपरा की हो रही है शुरुआत, महीने भर पहले आ रहा है बजट। पीएम ने जताया विश्वास सभी राजनीतिक दल इस बार चर्चा के साथ जनहित के काम आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने जताया विश्वास इस बार बजट में सेफ्टी, सिक्योरिटी और पंचुअलिटी पर दिया जाएगा खास ध्यान। वित्त मंत्री अरुण जेटली सालाना 8 लाख रुपए तक की कमाई को कर सकते हैं टैक्स। बजट में इनकम टैक्स में बढ़ सकती है लिमिट, 2.5 लाख से बढ़कर 3 लाख हो सकती है। अरुण जेटली बैंक कैश ट्रांजेक्शन टैक्स का कर सकते हैं ऐलान। 50,000 से ज्यादा के विड्रॉल और कैश ट्रांजेक्शन पर लग सकता है 1 से 2% तक का टैक्स। कैश ट्रांजेक्शन और का टैक्स मकसद लोग कैश में लेन देन से बचें और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें। सरकार 5 या 10 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन पर लगा सकती है बैन। पेट्रोल डीजल के दामों में लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती की संभावना, इससे पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल पर 2 रुपए और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी में हो सकती है कटौती। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर सकती है आज बड़े ऐलान, स्मार्टफोन हो सकते हैं सस्ते। वित्त मंत्री जेटली सर्राफा कारोबारियों को दे सकते हैं तोहफा, गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का कर सकते हैं ऐलान। बजट में चीनी हो सकती है सस्ती, सरकार कर सकती है सेस वापस लेने का ऐलान। वित्त मंत्री अरुण जेटली रक्षा बजट में 10% तक का कर सकते हैं इजाफा, पिछली बार 2,58,000 करोड़ था डिफेंस बजट। बजट में कॉरपोरेट टैक्स में 2% कमी की हो सकती है घोषणा, मौजूदा दर 30% से घटकर 28% रह सकती है। आम बजट के साथ रेल बजट पेश होने से रेल किराया सीधे बढ़ने के आसार कम, साल के बीच में सरकार बढ़ा सकती है किराया। बजट में सरकार का रेलवे में सेफ्टी पर रहेगा जोर, 20,000 करोड़ रुपए के फंड का हो सकता है ऐलान। रेल सफर में छूट के लिए जरूरी हो सकता है आधार, बजट में इस पर हो सकता है कोई ऐलान। बजट में सरकार सुनिश्चित कर सकती है ट्रेनों में बुजुर्ग यात्रियों को लोअर बर्थ ही मिले। अरुण जेटली बजट में सर्विस टैक्स को 15% से बढ़ाकर कर सकते हैं 16% से 18%। सर्विस टैक्स के बढ़ने से कई तरह के बिल हो जाएंगे महंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाने का बिल, फोन बिल, हवाई सफर समेत तमाम सेवाएं हो सकती हैं महंगी। किसानों के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली आज कृषि लोन सस्ता करने का कर सकते हैं ऐलान। सूत्रों की माने तो वित्त मंत्री 9 लाख तक के कृषि कर्ज पर ब्याज दर में 2% तक की कर सकते हैं कमी। वित्त मंत्री बजट में सीनियर सिटीजन को दे सकते हैं बड़ा तोहफा, टैक्स छूट का दायरा बड़ा किया जा सकता है। बुजुर्गों के लिए 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख हो सकता है टैक्स में छूट का दायरा। सरकार बुजुर्गों को बैंक में जमा राशि और फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज राशि में बढ़ोतरी का कर सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली शिक्षा बजट में कर सकते हैं बढ़ोतरी, 8% हो सकती है बढ़ोतरी। स्किल इंडिया के तहत खोले गए तकनीकी संस्थानों को आज के बजट से है ज्यादा उम्मीद, इन संस्थानों ने पुराने बजट को पर्याप्त नहीं माना था। सरकार छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर टैक्स में कमी का कर सकती है ऐलान। छात्रों के लिए बजट में लैपटॉप और टैबलेट सस्ते करने का वित्त मंत्री अरुण जेटली कर सकते हैं ऐलान। बजट में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की भी घोषणा की जा सकती है। एजुकेशन में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बजट में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने और 500 करोड़ की ग्रांट देने का हो सकता है ऐलान। बजट से पहले आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि नोटबंदी से इस वित्तीय वर्ष की विकास दर घट सकती है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक वर्ष 2016 से 17 में GDP 6.5% तक गिर सकती है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद और पूर्व विदेश मंत्री ई अहमद का निधन, देर रात दिल्ली के RML अस्पताल में अंतिम सांस। संसद भवन में टला बड़ा हादसा, संसद के कमरा नंबर 50 में कल लगी आग, लेकिन 15 मिनट के बाद काबू पा लिया गया।
चांदनी चौक में आग से कई दुकानों को नुकसान, फायर ब्रिगेड तुरंत पहुंची मौके पर, शॉर्ट सर्किट का अंदेशा। हरियाणा में मिर्चपुर में दलित और जाटों के बीच झड़प, विवाद में 9 लोग हुए जख्मी, 6 साल बाद एक बार फिर गरमाया माहौल। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव का ऐलान, 11 मार्च के बाद नई पार्टी बनाएंगे शिवपाल। समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश के चाचा शिवपाल का अखिलेश पर निशाना, कांवरा कद जानबूझकर छोटा किया जा रहा है। यूपी में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रैली, हापुड़, बुलंदशहर और संभल में करेंगे जनसभा। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा और आखिरी T20 मैच आज, बेंगलुरु में टीम इंडिया को जमकर पसीने बहाने का मौका भी मिला। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन, विराट की कप्तानी में 16 सदस्यीय टीम का ऐलान। शाहरुख खान ने अपनी पूरी टीम के साथ मुंबई में मनाया फिल्म रईस की सक्सेस का जश्न, 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है रईस। विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून पर चल सकती है सेंसर बोर्ड की कैंची, कुछ सीन में स्मोकिंग करते नजर आ रहे हैं सैफ अली खान। बॉलीवुड से हॉलीवुड का सफर तय कर चुकी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को अब असफलता से डर नहीं लगता। एक्ट्रेस वाणी कपूर ने जताई हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली से मिलने की इच्छा, कहा जिंदगी में एक बार एंजेलिना से मिलना चाहती हूं।